नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y21 2021 वर्सेस Infinix 08i का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y21 2021 में 6.46 इंच जबकि Infinix 08i में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y21 2021 में 0.31 इंच जबकि Infinix 08i में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 21/2021 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y21 2021 में 182 ग्राम्स जबकि Infinix 08i में 210.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि 21/2021 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Y21 2021 में 20:9 जबकि Infinix 08i में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y21 2021 में 6.51 इंचेस जबकि Infinix 08i में 6.85 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y21 2021 में 720x1600 और Infinix 08i में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y21 2021 में 82.09% जबकि Infinix 08i में 87.04% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y21 2021 में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Infinix 08i में 392 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 21/2021 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Infinix 08i की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y21 2021 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Infinix 08i की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y21 2021 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Infinix 08i में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y21 2021 में पावर GE8320 जबकि Infinix 08i में माली G76MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y21 2021 में MediaTek Helio P35 और Infinix 08i में MediaTek Helio G90T मिलता है। बात करें RAM की तो Y21 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है जबकि Infinix 08i में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y21 2021 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Infinix 08i में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Y21 2021 में अप टू 1TB जबकि Infinix 08i में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y21 2021 में Android V11 जबकि Infinix 08i में Android V10 क्यू देखने को मिलती है।
बैटरी Y21 2021 में 5000 mAh जबकि Infinix Zero 8i में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y21 2021 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,990 रुपीज, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,490 रुपीज में मिलता है। और बात करें Infinix Zero 8i की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y21 2021 में 3 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Zero 8i की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Infinix Zero 8i आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Infinix Zero 8i आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme 8 है जो कि 13,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo Y20G है जो कि 14,690 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 14,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।